गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी संस्कृत टीचर निधि गुप्ता, आपकी कक्षा षष्ठम विषय संस्कृत दर्शिका। आपका लेसन चलेगा 11, पाठ 11, सुभाषितानि यानी सुंदर वचन। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ये आपके श्लोक हैं जो आपके जो हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए। ठीक है, सत्यम ब्रूयात यानी सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य माँ माँ माने नहीं मत नहीं बोलना चाहिए, प्रियम च न अनृतम ब्रूयात और प्रिय अनृतम, अनृतम माने झूठ, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है कि जो हमें सही उसमें कहा गया है कि सनातन यानी हमें जो वेदों में कहा गया है वो आपका सनातन धर्म क्या है कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, जो किसी को अच्छा ना लगे ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए, और जो प्रिय झूठ मतलब जो सबको अच्छा लगे ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे को धोखा देना ही है, तो इसलिए कहा गया है कि यही हमारा सनातन धर्म है। पुस्तकस्था तू या विद्या पर हस्तगतम धनम, पुस्तकस्था तू या विद्या यानी पुस्तक में रखी हुई विद्या, और पर हस्तगतम धनम और पर माने दूसरे, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। ठीक है, पुस्तक में रखी हुई विद्या की पुस्तक में है, ये आपके पुस्तक में है और आप इसे पढ़ो नहीं तो ये पुस्तक में रखी हुई हो गई ना, और जब तक आपने इसे पढ़ा नहीं याद नहीं किया उसको अपने जीवन में उतारा नहीं तो वो हो जाती है पुस्तक, आपकी विद्या पुस्तक में रखी हुई, पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन यानी हमने किसी को, हमारे पास बहुत धन है और हमने दूसरे को दे दिया है, तो ऐसा धन कार्य काले समुत्पन्ने समय पड़ने पर, समय हमें की उसकी ज़रूरत है तो ऐसा समय पड़ने पर वह ना तो वह विद्या काम आती है और ना ही वह धन काम आता है। अगर हमें याद होगा तो हम कहीं पर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं उस विद्या का, लेकिन हमने याद नहीं है कि हमें बुक में हमने नोट कर लिया रख लिया तो उस विद्या का क्या फ़ायदा, एग्ज़ाम में कहाँ से हम उसको लिखेंगे, है ना, तो इसलिए याद करी भी जो हमने अभ्यस्त कर लिया है वो विद्या हमारे काम आएगी समय पड़ने पर, लेकिन हमने याद नहीं किया केवल उतार उतार के अपने पास रख लिया तो वो विद्या हो जाती है पुस्तक में रखी हुई, तो वो समय पड़ने पर एग्ज़ाम के समय या कहीं दूसरे देश में गए हो कहीं पर भी तो वो विद्या ना तो वो विद्या काम आती है और ना ही धन काम आता है कि दूसरे के हाथ में अब ज़रूरत हमें अब है और वो इंसान कहीं और चला जाए हाँ तो अब वो कहेगा मैं तो यहाँ पर हूँ, तो वो ऐसा धन भी हमारा दूसरे के पास गया हुआ धन भी वो कैसा होता है हमारा समय पड़ने पर काम नहीं आता है। ठीक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब इसमें क्या कहा गया आपका कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य जब हम सबसे अच्छा बोलेंगे प्रिय बोलेंगे मधुर बोलेंगे तो वो सभी मनुष्य उससे खुश होते हैं, है ना, जब हम अच्छा बोलेंगे तो सभी हमसे खुश रहेंगे, तो उसी प्रकार से बोलने में तस्माद देव उसी प्रकार से वक्तव्यम बोलने में का दरिद्रता बोलने में कैसी कंजूसी, अर्थात हमें मधुर ही बोलना चाहिए। कोई अगर कटाक्ष करता है कोई हमसे तीखा बोलता है तो वो हमें अच्छा थोड़ी लगता है, है ना, तो इसलिए हमें प्रिय बोलने से सभी हमसे खुश रहेंगे, तो वैसा ही बोलने में कैसी कंजूसी। आ गया, विद्वत्वम च नपत्वम च न एव तुल्यम कदाचन, विद्वत्वम यानी विद्वान, नपत्वम और राजा इन दोनों में न एव तुल्यम कदाचन ये दोनों कभी भी समान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा जो है वो अपने देश में ही पूजा जाता है, लेकिन विद्वान जो होता है वो सर्वत्र पूज्यते, जहाँ जाता है वहीं पर पूजा जाता है, सब जगह उस वो पूजा जाता है, उसकी विद्वत्ता ही ज्ञान ही
उसको अपने आप ही हर जगह स्थान दिला देती है। आगे समझिए कि विद्वान और राजा कभी भी एक समान नहीं हो सकते, क्योंकि राजा अपने देश में ही पूजा जाता है और विद्वान सब जगह पूजा जाता है। काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेद पिक काकयो बसंत समय प्राप्ते, यहाँ पे तात की जगह आपका क्या आएगा प्राप्ते, नई बुक में जो है प्राप्ते और प्राप्ति ही सही है। बसंत समय प्राप्ते काके काके पिके पिके, अब ये कहा है कि काके कृष्ण यानी कौआ भी काला होता है, पिके कृष्ण और कोयल, पिके माने कोयल, कोयल भी काली होती है, तो इन दोनों में पिक काकयो को भेद है, इन दोनों में कोयल और कौए में कौन सा भेद है, तो वो भेद कैसा है, वसंत समय प्राप्ते, जब बसंत ऋतु आती है, जब बसंत ऋतु का समय होता है तब पता चलता है कि कौआ कौआ है और कोयल कोयल है, क्योंकि बसंत समय आने पर कोयल जो है मधुर पंचम स्वर में गाती है और जबकि कौए की आवाज़ कैसी होती है कर्कश यानी कानों को चुभने वाली, और जबकि कोयल की मीठी आवाज़ होती है, वो कब पता चलती है बसंत समय आने पर, क्योंकि बसंत समय आने पर कोयल अपने पंचम स्वर में गाती है। ठीक है, आगे समझ में ये, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।